तो हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब आप पूछोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर जो मैं बताने जा रहा हूँ अट्रैक्शन वो क्या चीज़ है, क्या वो लड़की का अट्रैक्शन है, क्या वो किसी चीज़ के प्रति आकर्षण है, या फिर इस ब्रह्मांड में जो भी अट्रैक्शन है, जैसे कि आपको कुछ खाने की चीज़ का अट्रैक्शन हो गया, या फिर किसी कपड़े का अट्रैक्शन, या फिर तमाम वो सारी चीज़ें, क्या वो अट्रैक्शन की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आप जो भी सोचते हो, आपके दिमाग में जो भी आती है, आप उन चीज़ों को कैसे एक्यूमुलेट, या फिर उन चीज़ों को आप जो आप सपना देखते हो, या फिर आपको अगर डिज़ायर मन में आती है कि मुझे ये चाहिए, और जो आप खुद के ज़िंदगी में लाना चाहते हो वो आपको मिलती है, तो वो कैसे होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? और अगर आप जो सबकॉन्शियस माइंड में सोचते रहते हो उसको, जब आप सोचते रहते हो कंटिन्यूसली और उस चीज़ में आप कंसिस्टेंटली उसी चीज़ को सोचते रहते हो दिमाग में, और जब आपको मिलती है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है और लाल कलर का, और जो घंटी है वो घंटी को भी बजा देना, ताकि जो भी वीडियोज दूँ आप उन वीडियोज़ को देख सको, राइट? तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। देखिए, पहली बात तो आज खुश हूँ मैं। आज दो कारणों के लिए खुश हूँ, क्योंकि पहला बात, आज मेरा दिन अच्छा गया है, राइट? और दूसरा बात, आज तौहीद आया था, राइट? तौहीद, आपने अगर नहीं देखा है तौहीद को, और अगर आप पहचानते नहीं हो उसे, तो ऊपर आई बटन आ रही होगी, मैंने लिंक दे दिया है। मैं गया था बॉयगा उसके घर। तौहीद कौन है आपको पता चलेगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो वो आया था, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मैंने, तो इसलिए आज थोड़ा सा एंथुजियाज्म फील कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरा आज थोड़ा क्लिनिक में अच्छा दिन गया था, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको एंथुजियाज्म में हूँ, और थोड़ा एक्साइटेड हूँ, राइट? तो फिर चलिए टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं और ये चीज़ है क्या। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस चीज़ को जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, और जब आप इस चीज़ को लाते हो, तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो वो भी आई बटन में आ रही होगी, ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलती है। तो ये चीज़ है क्या, सीधी सी बात समझो, जब आप तीन चीज़ें करते हो लाइफ में, जब आप तीन चीज़ें करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर आती रहेंगी। सबसे पहला है, सुबह उठ के मेडिटेशन करो, राइट? मेडिटेशन जो है, आप सुबह उठ के जब आप करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो मैंने बताया था, आई लिंक के ऊपर आ रही होगी, इससे पहले वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना। जब सुबह आप मेडिटेट करते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उस समय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जो भी सोचते हो कि मुझे क्या चाहिए, या फिर इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, इस जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में मुझे जो भी चाहिए, मतलब जैसे कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, राइट, मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, आपको, आप कुछ भी सोच सकते हो, यू कैन थिंक एनीथिंग, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डिज़ायर, यू कैन थिंक दैट आई वांट टू हैव सच अ बिग हाउस, आई वांट टू हैव अ गुड वाइफ और गर्लफ्रेंड, और आई वांट टू हैव अ गुड कार, अ लग्जूरियस कार, और व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। अगर आप उस चीज़ को सोचते हो निरंतर, कंटिन्यूसली अपने दिमाग में, तो वो चीज़ एक ना एक दिन जाके साकार होती है, सपना सच होता है आपका, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी चीज़ सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि आप पहला पॉइंट अपना रहे हो, पहला पॉइंट आप कर रहे हो रोज सुबह उठ के, वो है मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, राइट, और गायत्री मंत्र का जाप, और भगवान श्री कृष्ण का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, और जो महामृत्युंजय का जाप है, आप मेडिटेशन के साथ उन्हें भी करते रहो, और दिमाग में ये लाते रहो कि मेरा माइंड बिल्कुल कूल एंड काम है, और मुझे ये फील्ड्स में, ये सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छा अचीव करना है, और मुझे ये गोल्स सेट करनी है, और यही मुझे चाहिए, राइट? तो पहला होता है मेडिटेशन करो, और अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो लाओ जो आपको चाहिए, राइट? दूसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव जब आप सोचते हो तो आपके आसपास के जो पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो पॉजिटिव होने लगती है, और आप छोटी छोटी चीज़ों को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली लेने लगते हो कि नहीं, ऐसा ये इसलिए हो रहा है ताकि, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, या फिर आप गलत बात नहीं कुछ बोलोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करके बोलोगे कि नहीं, ये सही हुआ जो भी हुआ, और आगे जो भी होगा सही होगा। तो इस तरह से जब आप माइंड को सही रखते हो और पॉजिटिविटी लाते हो अपने अंदर, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचते हो। और थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है, मैंने ये भी बताया है पिछले वीडियो में, आप जाके देखो ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होता है, उसमें आप क्या क्या क्रियाएँ करते हो, क्या क्या करते हो, कैसा लाइफस्टाइल होता है। तो ब्रह्मचर्य को जब आप फॉलो करते हो, तो ब्रह्मचर्य फॉलो करने पर आपकी जो धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी है वो सच होने लगती है। मतलब ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन तीन चीज़ों से आती है, और ये तीन चीज़ें हैं मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और ब्रह्मचर्य। ये तीन चीज़ें जब आप अपने लाइफ में उतारते हो, और कम से कम 70-80-100 दिनों के बाद आपको ये लगने लगता है कि हाँ, मैंने कुछ एक ऐसा चीज़ अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है जिसके कारण मुझे
जो है इस यूनिवर्स में जो भी मैंने सोचा है, ये यूनिवर्स ट्राई कर रही है कि वो चीज़ हो जाए, या फिर कोशिश कर रही है कि वो मतलब आप मुझे मिल रही है, तो ऐसा यूनिवर्स कोशिश करती है। और एक डायलॉग आपने सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो यूनिवर्स आपको लगा देती है उसे पाने में, राइट। तो ये एक्चुअली में किसी ने जाना सच बात एक्सपीरियंस करके ही लिखा है, ये ऐसे हवा में लिखी हुई बात नहीं है। ऑलराइट, तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर आपने नहीं सुना या फिर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये तीन चीज़ें। पहली चीज़ें हैं, पहला चीज़ है मेडिटेशन, राइट। सुबह उठ के आप मेडिटेट करो और अपने मन में बोलो कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये डिज़ायर्स हैं, तो वो आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव किसी भी टाइम में आप मत रहो, पॉजिटिव थिंक, हमेशा सोचते रहो कि मुझे ये पॉजिटिव हो रहा है, ये हो रहा है और इसके कारण ये होगा, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ओनली पॉजिटिव, राइट। और थर्ड पॉइंट है ब्रह्मचर्य, लाइफस्टाइल क्या है, क्या नहीं है, क्या रिटेन करनी है, क्या नहीं है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में दिया है, उस वीडियो को देखो। एक अच्छा सा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी लेना होता है ब्रह्मचर्य में, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने बंद करना होता है, और अपना जो दिमाग है फोकस है बिल्कुल अपने उस पथ पे, ब्रह्मचर्य के पथ पे, और अपने जो आप काम कर रहे हो उस काम पे ध्यान लगानी है, तभी जाके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीन जो है वो मिलता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो भी इस सबकॉन्शियस माइंड और इस माइंड में सोचते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, डिज़ायर करते हो कि ऐसा मुझे लाइफ मिले, ऐसा मुझे जॉब मिले और ऐसा मेरा लाइफ अच्छे से बन जाए, तो जब आप निरंतर से कंटिन्यूसली उस चीज़ को सोचते हो तो आप उस चीज़ को एक ना एक दिन ज़रूर हासिल करते हो, ये मेरा गारंटी है। और इस चीज़ को आप करके देखो, एटलीस्ट दो महीने के लिए, मिनिमम दो महीने के लिए करके देखो, अगर आपको साल भर करना है बहुत अच्छी बात है, दो महीने करके देखो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और शेयर कीजिए। ऑलराइट, ग्रेटनेस इज कमिंग एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ, राइट, ऑल द बेस्ट, हम होंगे कहाँ हैं आप। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।